Hello students, welcome back to our channel. So in today's session we are going to study about chapter 1 science 2 part 2 means that topic was heredity and evolution. So we have completed in our last session heredity and hereditary changes, right? So now we are going to start with evolution. Hope you have done the previous work which I have given you about the scientist name and all, transcription, translation and translocation. So let's begin for the evolution. So, these are the previous standard questions. Means, can you recall it? What is the function of appendix of our digestive system? So, you all must have heard about appendix. What is appendix? हमले ये बोला रहता है कि appendix सुना रहेगा बहुत बार कि appendix का operation हुआ है, appendix का दर्द हो रहा था पेट में ये वो. Actually, appendix is an vestigial organ. अभी आप बोलोगे vestigial का मतलब क्या होता है? मतलब the organ which is not used for our body. मतलब ये जो organ है appendix, ये हमारे ancestor में work करता था. लेकिन evolution, ये जो evolution की बात कर रही हूँ मैं, मतलब जो slow, एकदम millions of years लग जाते हैं हर एक, जैसे कि apes से, monkeys वगैरह से, हम लोग कैसे human being change आज है, वो सब changes से related हम लोग बोलेंगे. तो ये appendix क्या है? In today's era, it is of no use, but एक है कि appendix में good microbes का storage होता है, okay? Now, second question, are wisdom teeth really used for chewing the food? Now, what is wisdom teeth? Wisdom teeth होता क्या है? जैसे कि ये wisdom teeth का आपने सुना रहेगा, हिंदी में सब बोलते हैं अकल की डाढ़ है, क्या अकल की डाढ़, वो pain होता है जब आने में, लेकिन उसका कुछ use नहीं है, वो भी एक vestigial organ है, vestigial मतलब no use. लेकिन यही जो विजडम थे ये हमारे एंसेस्टर्स में काम आता था. क्यों काम आता था? क्योंकि पहले के जो थे एंसेस्टर्स हमारे रॉ रूट्स वगैरह खाते थे या फिर कुछ भी बहुत रॉ सारी चीज़ें खाते थे, तो उनके लिए वो यूजफुल था. लेकिन धीरे धीरे हमारे जो एरा में है वो सब चेंज हो गया. सो अगेन इट इज ऑफ नो यूज फॉर अस एंड इट ऑकर्स आफ्टर 25 years. व्हाई डिड द ह्यूज एनिमल्स लाइक डायनासोर बिकम एक्सटिंक्ट? अभी डायनासोर के बारे में आप सबने सुना ही होगा, डायनासोर एक्सटिंक्ट क्यों हो गए, मतलब खत्म क्यों हो गए पूरी तरह से. अभी क्या होता है, ऐसे बोला जाता है कि एक मेट्रोइड मतलब एक ऐसी कुछ चीज अर्थ से क्लैश हो गई थी, जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल्स फॉर्म हुए थे और वो डस्ट पार्टिकल्स इतने ट्रैप हो गए थे क्लाउड्स वगैरह में कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तो प्लांट्स ग्रो नहीं हो रहे थे. प्लांट्स ग्रो नहीं हो रहे थे तो हर्बीवर्स खाएंगे क्या, मतलब हर्बीवर्स मर रहे थे. अभी हर्बीवर्स नहीं रहेंगे तो कार्निवर्स मतलब कि डायनासोर जैसे क्या खाएंगे. तो इस हिसाब से पूरी साइकिल स्टॉप हो गई थी और डायनासोर पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए थे. ओके, व्हाई आर मेनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स गेटिंग एक्सटिंक्ट? अभी आपने बोला, अभी आप सोचोगे कि मैंने बोला डायनासोर का ऐसा हुआ तो, लेकिन अभी भी इस लाइफ में भी हमारे इस एरा में भी क्यों एनिमल्स और बर्ड्स एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं? इसका रीजन यही है कि हमारा डे टू डे लाइफ नेचर पूरा इम्बैलेंस हो गया है. क्या क्या चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट ऑकर होती है, हम लोग हमारे पॉल्यूटेंस इंक्रीज हो गए हैं, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो गई है, तो ये सब अफेक्ट करती है, ये एक चीज है. और दूसरी चीज जो है कि इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब धीरे धीरे जो पहले के जो है वो एकदम एक्सटेंट हो जा रहे हैं और नई नई चीजें फॉर्म होते जा रही है. ओके, सो लेट्स बिगिन. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इवोल्यूशन. व्हाट इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. मतलब इसका मतलब होता क्या है, ये जो मैंने पहले ही बोला इट इज अ स्लो प्रोसेस, ये बहुत ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन है. धीरे धीरे कैसे चेंजेस होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग पहले मंकीज जैसे थे, पहले चार पैर पर चलते थे, ये सब कैसे कैसे धीरे धीरे मॉडिफिकेशन हुए हमारे बॉडी में, यही हम लोग फर्दर पढ़ने वाले. ओके, सो दिस इज अ वेरी स्लो वॉट गोइंग प्रोसेस थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज अचीव. हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट होता है. ऑल दी स्टेजेस इन चेंजेस ऑकर इन वेरियस कॉम्पोनेंट्स रेंजिंग फ्रॉम स्टार्स एंड प्लैनेट्स इन द स्पेस टू द बायोस्फीयर प्रेजेंट ऑन द अर्थ शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन. मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम लोग का चेंजेस पहले कैसा था यही इंक्लूड किया जाएगा इवोल्यूशन में, ऐसा नहीं है. स्टार्स में, प्लैनेट्स में, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, वे कैसे कैसे डेवलप होते गए, ये सारी चीजें हम लोग इवोल्यूशन में इंक्लूड करेंगे. देन
Formation of new species due to changes in specific characters of several generations of living organism as response to natural selection is called as evolution. So this is the definition of evolution. What it is? नए स्पीशीज फॉर्म होना, हमारे जनरेशन में चेंजेस आना, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन. अभी ये नेचुरल सिलेक्शन क्या है हम लोग फर्दर पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट इवोल्यूशन. नाउ 3.5 बिलियन इयर्स अगो लाइफ हैज बीन नॉट एक्सटिंक्ट ऑन द अर्थ, मतलब लाइफ हैज नॉट एक्सिस्टेंट ऑन द अर्थ. इसका मतलब ये है जब अर्थ फॉर्म हुआ था, अर्थ था, हमें पता चला अर्थ जैसी चीज़ है, 3.5 बिलियन ईयर अगो अर्थ में कुछ नहीं था, ना प्लांट्स थे, ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ कुछ नहीं था, सिर्फ एक बैरन लैंड जैसा था. एट द बिगनिंग देयर मे हैव बीन ओनली सिंपल एलिमेंट्स इन द ओशन ऑन द अर्थ एंड अ सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मे हैव बीन फॉर्म फ्रॉम दोस. मतलब ये माना जाता है कि पहले अर्थ में क्या था, कुछ एलिमेंट्स मिले थे जैसे कि कार्बन है, ऑक्सीजन, ये सब. उसके बाद इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने रहेंगे, ये सब हम लोग ने पता किया है. इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर व्हिच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन लाइक हाइड्रोकार्बन. इनऑर्गेनिक मतलब कार्बन को छोड़ के जो भी कॉम्पोनेंट्स रहेंगे वो. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैव कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड वी हैव फॉर्म ओवर द लॉन्ग पीरियड फ्रॉम द सिंपल कंपाउंड. मतलब जो सिंपल कंपाउंड्स फॉर्म हुए थे उसमें से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बने, जैसे कि प्रोटीन्स बना, न्यूक्लिक एसिड बना. ओके, फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स मे हैव बीन फॉर्म फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड. मतलब पहला ऐसा टाइप ऑफ सेल कहाँ से बना था? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से. फिर ये धीरे धीरे सेल्स इंक्रीज होते गए एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स. पूरे सराउंडिंग्स में चेंजेस आते गए, अलग अलग सेल्स बनते गए, कुछ कुछ डिफरेंसेस थे उस सेल्स में अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट नेचुरल सिलेक्शन. सम हैव शोन गुड ग्रोथ एंड सम मे हैव पेरिश्ड व्हिच कुड नॉट एडजस्ट विद द पेरिश. मतलब पूरी तरह से वैनिश हो गए. मतलब अभी मैं आपको बताती हूँ नेचुरल सिलेक्शन होता क्या है. मतलब अगर तुम लोग उस पर्टिकुलर सराउंडिंग में कैपेबल हो रहना, अगर तुम लोग ये उसमें एडजस्ट कर पाया, जैसे हम लोग बोलते हैं ना उस घर में तो मॉम डैड के साथ एडजस्ट कर पाओगे तो ही रहोगे, एक ये रहता है एडजस्टमेंट. तो वैसे ही नेचुरल सिलेक्शन ये बोलता है कि इफ यू आर कैपेबल ऑफ एडजस्टिंग इन द सराउंडिंग यू कैन स्टे लाइव, अदरवाइज यू विल डिसअपीयर. तो वैसे ही हुआ, कुछ कुछ ग्रोथ हुआ और कुछ कुछ पूरी तरह से पेरिश्ड हो गए, मतलब वैनिश हो गए. एट प्रेजेंट क्रोर्स ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद ह्यूज डाइवर्सिटी रिगार्डिंग शेप एंड कॉम्प्लेक्सिटी आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्या है, स्पीशीज है, एनिमल्स है, जैसे जैसे अर्थ में ये सारी डाइवर्सिटी फॉर्म हुई. सो एनिमल डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम यूनिसेल्यूलर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिसेल्यूलर, अ सिंगल सेल, जिस ऑर्गेनिज्म में ओनली वन सेल प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर. मल्टीसेल्यूलर मतलब मेनी सेल्स. सो ऐसा पहला एनिमल विद यूनिसेल्यूलर इज अमीबा एंड पैरामीशियम. उसके साथ साथ फिर फॉर्म हुए, मतलब सोचो एक यूनिसेल्यूलर से क्या बनता गया, मल्टीसेल्यूलर मैन बने, जायंट व्हेल फॉर्म हुई. ओके, द प्लांट डाइवर्सिटी consists of various species ranges from unicellular cholera to the huge banyan tree. मतलब इस तरह से कैसे कैसे अलग अलग बनियन ट्री बड़ी बनी उससे. Life exists on earth everywhere from equator to both the poles. Okay? Organisms are present at all the places like air, water, land, rock, etc. हर एक जगह पे है सब कुछ. Humans have shown curiosity about origin of life and reasons for such great diversity in life present on the earth since ancient period. मतलब एक humans ने बहुत अलग बना दिया है, पूरा life change हो गया है, diversity बहुत ही अलग ancient period. Different theories
about origin and evolution of life have been proposed till today, of which theory of gradual development of living organism is accepted. तो अभी तक क्या accept किया गया है? Gradual development of living organism, मतलब कैसे कैसे organism develop होते गए, क्या होता गया, पहले कैसा था, ये सारा हम लोग आगे पढ़ेंगे. So now we are going to study about theory of evolution. क्या पढ़ेंगे? Theory of evolution, very very important. According to this theory, first living material protoplasm, क्या protoplasm has been formed in ocean. कहाँ पे मिला गया था ये? Ocean में. First living material. In due course, धीरे धीरे unicellular organism were formed. उसके बाद changes आते गए. Unicellular से फिर क्या बने? Large बने. फिर उससे और complex organisms बनते गए. ये सारे चेंजेस बहुत ही स्लो और ग्रेजुअल थे, मतलब धीरे धीरे धीरे, बहुत टाइम लग जाता है, बहुत साल लग जाते हैं. ड्यूरेशन ऑफ ऑल दिस चेंजेस इज एट वर्स्ट 300 crore years. हाउ मच? 300 crore years. चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड बीन ऑल राउंड एंड मल्टी डायमेंशनल एंड दिस लेड टू इवोल्यूशन ऑफ वॉट? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. इससे अलग अलग चेंजेस आते गए. हेंस दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज वॉट? इवोल्यूशन, विच इज ऑर्गेनाइजेशनल. नाउ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द एंसेस्टर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड वॉट? इवोल्यूशन. ये जो चेंजेस आते गए प्लांट्स में, एनिमल्स में, हमारे एंसेस्टर कैसा था, हमारा अभी कैसा है, ये सारे जो फंक्शनल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन. सो दिस वॉज एन ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ वॉट? इवोल्यूशन. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वॉट? एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन. So, collective thinking about all above mentioned theories implies that evolution is everlasting process of changes. Evolution ऐसी चीज है जो हर time सालों से करोड़ साल से change होती आ रहा है. However, it need proofs. लेकिन हर एक चीज को कैसे हम लोग बोलते हैं proof क्या है, इसका proof क्या है? तो evolution को भी proof की जरूरत है. तो वही कुछ proofs हम लोग theories को proof करने के लिए देखेंगे. So evidences means what? Proofs. So this some 6 evidences we are going to study further. So first evidence is morphological evidence. What it is? Morphological evidence. Observe the image and note the similarities between animal images and plant images. So see diagram dekhiye ek bar. Isme kya changes lag raha hai aapko? Zara dekhiye. वेरियस सिमिलैरिटीज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, ये जो माउथ का स्ट्रक्चर, पोजिशन ऑफ आईज, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स ऑन बॉडी आर सीन इन एनिमल्स. ओके, वेर एज सिमिलैरिटी इन कैरेक्टर्स लाइक लीफ शेप, लीफ वेनेशन, दिस इज अ वेनेशन, ये जो ऐसा ऐसा वेन्स है वैसे वेनेशन बोलते हैं, लीफ पिट्यूल जो यहाँ पे रहता है, एक्सेट्रा ऑकर इन केस ऑफ प्लांट. हर एक जगह पे थोड़े बहुत चेंजेस है, बट ये इंडिकेट क्या करता है कि कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटीज रही रहेगी इन सब में. हेंस इट प्रूव्स दैट देयर ओरिजिन मस्ट बी सेम एंड मस्ट हैव व्हाट? कॉमन एंसेस्टर. थोड़े बहुत चेंजेस है लेकिन बाकी सिमिलैरिटीज हमें दिख रही है. इससे क्या प्रूव हुआ? कि इनके कॉमन एंसेस्टर होंगे. तो दिस वॉज मॉर्फोलॉजिकल, मतलब बाहर के अपीयरेंसेस जो हमने देखा उसे बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल. देन कम्स एनाटॉमिकल एविडेंसेस. क्या है? एनाटॉमिकल एविडेंसेस. सो एनाटॉमिकल एविडेंसेस, इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर्स, देयर डजंट सीम एनी सुपरफिशियल सिमिलैरिटीज बिटवीन ह्यूमन हैंड. दिस इज नॉट कैट फोलाइज, इट इज ऑक्स फोलाइज, प्लीज करेक्ट इट. फ्लिपर ऑफ वेल and patagium of bat. Okay, so matlab kuch bhi similar nahi dikh raha hai, but one thing is that similarly use of each of the structures is different in respective animals, but what is similar, you can say that all things are
bones and bony joints. Okay, this means this similarity indicates that those animals must have got common ancestor. मतलब वैसे दिखने में कुछ similar नहीं दिख रहा है, लेकिन हर एक का जो part है वो किससे बना हुआ है? Bones and bone joints है. इससे ये prove किया गया कि इनके भी ancestor क्या रहेंगे? Common रहेंगे. क्या रहेंगे? Common. Third evidence is vestigial organs, which I mentioned before only. Degenerated or underdeveloped useless organs of organisms are called as vestigial organs. जैसे कि कुछ use नहीं है, useless, फालतू का जो organs हमारे body में present है उसे हम लोग बोलते हैं vestigial organs. In living organisms, sudden development of new tissues or organs for living in changing environment is not possible. Okay? तुरंत ही सारे टिश्यूज ऑर्गन नहीं वैनिश हो सकते जैसे जैसे, मतलब कुछ ना कुछ चीजें रह जाते हैं. इंस्टेड एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स अंडरगो ग्रेजुअल चेंजेस. मोस्टली अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द बॉडी इज यूजफुल अंडर सर्टन सिचुएशन. हाउएवर सेम स्ट्रक्चर अंडर डिफरेंट सिचुएशन मे बी यूजलेस और इवन हार्मफुल. मतलब कुछ चीजें ऐसी रहती है हमारे बॉडी में जो बिल्कुल ही यूजलेस है और कुछ चीजें ऐसी होती है जो यूजफुल है. Such structure begins to degenerate under such situation as per the principle of natural selection. मतलब अगर हमारे body को use नहीं है तो धीरे धीरे natural selection के हिसाब से वो क्या हो जाएगा? पूरी तरह से perished हो जाएगा. It takes thousands of years for a structure to disappear, but it takes what? बहुत ज़्यादा time लगता है. जैसे मैंने बोला evolution को बहुत ज़्यादा time लगता है, तो यही structure को disappear होने में बहुत ज़्यादा time लगेगा. Such organs are seen in different phases of disappearance in different animals. जैसे कि such organs which are non-functional in certain organism, it may be functional in other organism. That is, it is not vestigial in other organism. इस line का ये मतलब है कि human body में अगर कुछ vestigial organs है, वो हमारे body में useless है, लेकिन किसी और animals वगैरह में वो useful हो सकता है. तो वही हम लोग देखेंगे. ये देखो, this is the large intestine का part I mentioned before, appendix, tailbone का coccyx से ये वो, ये wisdom teeth से, ये air muscles से अपना. So appendix, which is useless to human, is useful and fully functional organ in what? Ruminant. What is ruminants? Cattle's, okay? Cow वगैरह. Similarly, muscles of air pinna, ये जो हमारा muscles है air pinna का, which are useless to humans are useful in monkeys for movement what? Of air pinna. Various vestigial organs like tail bone. पहले बोलते थे ना tail थी, लेकिन वो tail तो गायब हो गई, लेकिन वो tail bone coccyx जिसे बोलते हैं, it is still present in our body. It is wisdom teeth ये वाले and body hairs are present in body of human being. So in exam if they ask you mention the vestigial organs in human being, क्या क्या बताओगे? Appendix, tail bone, wisdom teeth, air muscles. And if they ask that which are the organs which are useless in human beings and which are useful in other animals, you will mention that appendix is useless to human but is it useful for ruminants. Okay? So fourth evidence is paleontological evidences. मतलब एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारे माइंड में कि ये जो ऑर्गेनिज्म से कैसे मिलियंस ऑफ इयर्स अगो ये थे, डायनासोर का कैसे पता किया हम लोग ने कि डायनासोर जैसा एनिमल है नहीं है, तो इसका सीक्रेट क्या है? सो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट बरीड ड्यू टू डिजास्टर लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, वोल्केनो एक्सेट्रा. रेमिनेंट्स मतलब रिमेन्स जो रहते हैं ना, डेड बॉडीज वगैरह, एंड इम्प्रेशंस ऑफ सच ऑर्गेनिज्म रिमेन प्रिजर्व अंडरग्राउंड. अभी ये डायनासोर का हमें कैसे पता चला कि उसके निशान मिले? हम लोग बोलते हैं निशान मिले, बट एक्चुअली दे आर कॉल्ड एज व्हाट? फॉसिल्स, जो उसके इम्प्रेशंस रह जाते हैं, उनके रेमिनेंट्स रह जाते हैं. स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ व्हाट? इवोल्यूशन. सो कार्बन कंजम्पशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स स्टॉप्स आफ्टर डेथ एंड सिंस देन ओनली द डिकिंग प्रोसेस ऑफ कार्बन 14 ऑकर्स कंटिन्यूअसली. मतलब क्या होता है, जब प्लांट्स एनिमल्स डेथ हो जाते हैं तो उनका कंजप्शन, किसका? कार्बन कंजप्शन स्टॉप हो जाता है, सिर्फ डिकिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है कार्बन 14 का. तो इन केस ऑफ डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग कॉन्स्टेंट द रेशियो बिटवीन वॉट? कार्बन 14 एंड कार्बन 12
changes continuously as what? Carbon 12 is what? Non-radioactive. The time passed since the death of a plant or animal can be calculated by measuring what? Radioactivity of carbon 14. हमारे पास carbon 14 रहता है और हम लोग उसका ratio compare करते हैं carbon 14 और 12 से जो अभी फिलहाल उनके body में present रहता है. इस तरह से हम लोग पता करते हैं कि कितना पुराना वो पर्टिकुलर प्लांट एनिमल है. और उस मेथड को क्या बोलते हैं? कार्बन डेटिंग मेथड. इट इज यूज्ड इन पैलियंटोलॉजी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैलियंटोलॉजी? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. व्हाट इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. एंड एंथ्रोपोलॉजी. अभी एंथ्रोपोलॉजी क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमंस का और ह्यूमन बिहेवियर का, जो पहले कैसा था, प्रेजेंट में कैसा है और पास्ट में कैसा था, उसे क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी. प्लीज नोट डाउन. फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट, पहले कैसा था सब कुछ, वो सब करने के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग मेथड यूज करते हैं. वंस द एज ऑफ फॉसिल हैज बीन डिटरमाइंड बाय सच टेक्निक, इट बिकम्स इजी टू डिडक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट अदर एक्सवाई ऑर्गेनिज्म. It seems that vertebrates have been slowly originated from what? Invertebrates. ये देखो diagram, it is very very important. Board के exam में क्या करते हैं? ज़्यादातर सिर्फ diagram दिया रहेगा. You have to label it. और they will give full diagram और इसके basis पे question आएंगे. So structure of ground level and fossils. पहले invertebrates थे, उसमें pisces थे, amphibia थे, reptiles थे. उस era को क्या बोलते हैं? Paleozoic era. फिर आते हैं रेप्टाइल्स, ये जो डायनासोर वगैरह हम लोग बोलते हैं, मीजोजोइक एरा. देन कम्स व्हाट? बर्ड्स, एप्स, जो हम लोग हैं मैमल्स, ये मैमल्स, उस एरा को क्या बोलते हैं? सेनोजोइक एरा. उससे पहले हम लोग ये कार्बन डेटिंग जो पढ़ा वो एक्चुअली किसने निकाला, कौन से साइंटिस्ट थे, क्या है, सो उनके बारे में पढ़ेंगे. कार्बन डेटिंग मेथड इज बेस्ड अपॉन द रेडियो एक्टिव डीके ऑफ नेचुरली ऑकरिंग कार्बन 14. वो ऑलरेडी डीके, मतलब जब एनिमल कोई भी सड़ जाता है उसमें कार्बन 14 नेचुरली ऑकर करता है. और उसको डेवलप करने वाले के साइंटिस्ट का नाम क्या था? विलार्ड लिबी. ही हैज बीन अवार्डेड विद नोबेल प्राइज इन द ईयर 1960 फॉर दिस इन्वेंशन. द एज ऑफ द मटेरियल्स डिटरमाइंड बाय दिस मेथड्स आर पब्लिश्ड इन द जर्नल नेम एज व्हाट? रेडियो कार्बन. I see, this is the scientist. Okay? Fifth proof we are going to study is what? Connecting links. Observe the figures which are given here. It is a duckbill platypus, lungfish and peripatus. अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी. Let's keep it like this. Some plants and animals show morphological characters by which they can be related to different groups as they are called as connecting link. मतलब एक दूसरे में कुछ connecting link है. ये कैसे पता चलता है? क्योंकि उनमें कुछ characters similar होते हैं. Example in peripatus, मतलब कि ये वाला organism peripatus में characters like segmented body, thin cuticle and parapodia like organs are present. जो किस में रहते हैं? ऑर्थोम जैसे ऑर्गेनिज्म में. सिमिलरली दिस एनिमल शो ट्रैकियल रेस्पिरेशन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सिमिलर टू आर्थ्रोपॉड्स. मींस इट दिस इंडिकेट्स दैट दिस पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन व्हाट? एनिलिडा. एनिलिडा में क्या क्या बता रहा था वो? उसमें सेगमेंटेड बॉडी है, थिन क्यूटिकल है. और आर्थ्रोपोडा जैसा क्या बता रहा है वो? ट्रैकियल रेस्पिरेशन और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. इसका मतलब कि ये दोनों के बीच में क्या है? दोनों के कैरेक्टर शो कर रहा है, एनिलिडा के भी और आर्थ्रोपोडा के भी. किसके? सी हियर, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के दोनों के कैरेक्टर शो कर रहा है. दैट्स व्हाई पेरिपेटस इज सेड टू बी एन कनेक्टिंग लिंक बिटवीन व्हाट? एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा. सिमिलरली डक्टाइल प्लैटिपस, डक्टाइल प्लैटिपस दिस वन, ऑब्जर्व इट प्रॉपरली. सो दिस इंडिकेट्स, सॉरी, डक्टाइल प्लैटिपस ले एग्स लाइक रेप्टाइल्स, मतलब रेप्टाइल्स की तरह एग्स ले करता है. बट शोज रिलेशनशिप विद मैमल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड हेयर्स. मतलब वो एग्स को ले करता है लेकिन उसमें मेमोरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट रहते हैं. ओके, लंगफिश परफॉर्म्स रेस्पिरेशन. लंगफिश दिस वन,
question with love, irrespective of what being fish. Fish तो वैसे दिल से respire करता है, ये हमें पता है, लेकिन वो क्या करता है, वो लंग से respire करता है. These examples indicate that mammals are evolved from what? Reptiles and amphibians from fishes. इससे हमें क्या indicate करते हैं कि mammals, mammals means what? Which directly give birth. मतलब eggs नहीं लेकर करते. वो कहाँ से इवॉल्व हुए रहेंगे? रेप्टाइल्स से. और एम्फीबियंस कहाँ से ये हुए रहेंगे? फिशेस से. सो नाउ लास्ट एविडेंसेस वी आर गोइंग टू स्टडी इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस. केयरफुली ऑब्जर्व द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ सम एनिमल्स. सी यहाँ पे फिश का है, सलमेंडर, टॉर्टोइस, चिकन, स्पेलिंग मिस्टेक्स आर देयर, यू करेक्टेड, पिग, काउ, रैबिट, मैन. फर्स्ट स्टेज में तुम्हें पता चल रहा है कुछ डिफरेंस है कि अगर तुम्हें सिर्फ ये फर्स्ट स्टेज बताया जाता है इतना, उसमें तुम लोग क्या, ये फर्स्ट स्टेज अगर तुम्हें बताया जाता है तो तुम्हें कुछ डिफरेंस पता रहा है कि ये किसका एम्ब्रियो रहेगा? नहीं पता चलेगा. सेकेंड आएगा तब धीरे धीरे तुम लोग थोड़ा अंदाजा लगाओगे, लेकिन थर्ड में फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये किसके एम्ब्रियोज है. सो उससे ही क्या पता चलता है, सीना. Comparative study of embryonic developmental stages of various vertebrates given in the picture shows that all embryos show extreme similarity during initial, मतलब starting के stages में सारे के सारे एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन similarities धीरे धीरे change होती है. तो similarities initial stage में क्या indicate करता है कि इनके भी कुछ common origin हुई रहेगी इन animals की. Okay? So that was what different evidences we have studied. First evidence was which one? Can you recall it? First was morphological evidences. See, एक बार revise करवा देती हूँ जो appearances के वजह से हम लोग ने देखा था. दूसरा था anatomical, which it was anatomical, जिसमें structures तो different दिख रहे, लेकिन किससे बने हुए थे? Bones वगैरह से. थर्ड था वेस्टिजियल ऑर्गन्स. सीरीज वेस्टिजियल ऑर्गन्स मतलब जो यूजलेस ऑर्गन्स रहते हैं हमारे बॉडी में प्रेजेंट, वो हम लोग ने पढ़े. फिर फोर्थ हम लोग ने देखा पैलियोटोलॉजिकल एविडेंसेस, मतलब ये कैसे पता किया कि फॉसिल्स क्या थे, फॉसिल्स से पता किया कि पहले क्या ऑर्गेनिजम्स थे, क्या एनिमल्स थे. देन लास्ट वन रिसेंटली अभी हम लोग, नहीं सॉरी, सेकेंड लास्ट कनेक्टिंग लिंक हमने पढ़ा कि एक ऑर्गेनिज्म में दूसरे से कैसे कनेक्टिंग लिंक रहता है. और लास्ट अभी हम लोग ने पढ़ा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस. सो दिस वर द एविडेंसेस वी हैव सीन. तो आज के लेक्चर में व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट इवोल्यूशन, कैसे इवोल्यूशन आया, कैसे ये चेंजेस होते हैं, फर्स्ट कौन सा ऑर्गेनिज्म था, क्या एनिमल था, पहले क्या था अर्थ पे, उसके फिर प्रूफ्स हम लोग ने पढ़े. तो प्लीज स्टूडेंट्स डू द वर्क एट होम, मतलब ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप लिखो, नोट डाउन करो, जहाँ पे डायग्राम्स जरूरी है वो डायग्राम्स ड्रॉ करो. एंड प्लीज बी सेफ, बी होम. स्टिल द लॉकडाउन हैज बीन इंक्रीज, सो प्लीज